चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज टाइपिंग के बारे में। सिटी एनिमेशन जारी हो चुका है, जिनका भी टाइपिंग टेस्ट देना है तो मात्र 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। तो 7 से 8 दिन के समय में हम लोगों को किस तरह से प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी चाहिए और किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी गलती है उसको किस तरह से सुधारना चाहिए। आप लोग किस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग देखिएगा। मैं एक सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है। और उसमें सबसे कुछ खास बात है कि आप उसमें बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते, हाईलाइट है आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपना गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद आपको इसमें सर्च करना है इंडिया टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग। इंडिया टाइपिंग आपको सर्च करने के बाद यहाँ क्लिक कर लेना है इंडिया टाइपिंग पे। टाइपिंग सर्च करने के बाद आपको ऐसा खुलेगा, यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ इंडिया टाइपिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। जब ये खुलेगा तो आपको यहाँ देखिए थर्ड पे यहाँ टाइपिंग टेस्ट है। इसमें अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आपका जो भी प्रेफरेंस होगा आप दीजिएगा। यहाँ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मेरा है तो मैंने इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ आपको अपना नेम फीड करना है। यहाँ आप टाइमिंग दे सकते हैं, 10 मिनट का हम लोग का है तो आप 10 मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें पैसेज जो है काफ़ी ज़्यादा पैसेज है, यानी लगभग 200 के आसपास यहाँ पैसेज है। आप जो भी चाहें सेलेक्ट करके यहाँ दे सकते हैं। फिर स्टार्ट टेस्ट करिएगा। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ देखिए, यहाँ नीचे बैक स्पेस इनेबल एंड डिसेबल है। अगर आप चाहें तो इस बैक स्पेस को डिसेबल कर सकते हैं, जो हमारे RRB में डिसेबल ही होता है, यानी बैक स्पेस का यूज आप नहीं कर सकते। इसमें एक सबसे खास बात यही है। और हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल भी आप डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाईलाइट रहेगा, अगर आप चाहें तो हाईलाइट वर्ड नहीं रहेंगे। तो मैं बिना हाईलाइट का ही मारता हूँ तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है। जब एक हाईलाइट वर्ड से आप मारते हैं तो आपकी स्पीड अलग होती है, और जब हाईलाइट हटा देते हैं आप फिर पैसेज को यानी पैराग्राफ का को खुद से स्क्रॉल करना पड़ता है, तो उसमें अंतर पड़ जाता है, स्पीड में आपकी थोड़ी कमी आ जाती है। तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए मैं कुछ प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे से देता है। देखिए मैंने ऐसे ही बस थोड़ा टाइपिंग किया था। इसके बाद आप देखिए इसमें जो भी आपके गलत वर्ड्स रहेंगे, मैंने 6 वर्ड्स किया तो राइट वर्ड्स यहाँ 5 रहे, एक रॉन्ग वर्ड हो गया, यहाँ टोटल वर्ड एरर बताएगा, फिर आपका नेट वर्ड पर मिनट बताता है, एक्यूरेसी बताता है। ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ सबसे अच्छा वही है कि आप बैक स्पेस हटा सकते हो, हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल हटा सकते हो। इस टेस्ट पे इस पर आप दे सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप चाहें तो इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसी पे करता हूँ, मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहता है। और टाइपिंग के तो आप करते ही हैं सब लोग, लेकिन उसके थ्रू भी थोड़ी कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि इसको शेयर कर दूँ, अगर आप लोग को शायद कुछ हेल्प हो जाए। अगर आप टाइपिंग एक ही जगह कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जगह चेंज करके या कीबोर्ड थोड़ा चेंज करके बार बार, मतलब सिर्फ एक कीबोर्ड से नहीं, कम से कम 3-4 कीबोर्ड से अगर आप टाइपिंग दे पाए तो काफ़ी बेनिफिट होता है, बेनिफिट भी होगा आपको। क्योंकि वहाँ जाने पे आप किस तरह का कीबोर्ड देता है ना हमें पता होता है ना आपको पता होता है, तो थोड़ा वार्म अप होते रहेगा। आप अलग अलग कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो